बड़वा शहर से 4 किलोमीटर दूर ग्राम बागफल में एक खेत से 70 भेड़ चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में अज्ञात लोग इन भेड़ों को यहां से चुरा कर ले गए। सुबह जब भेड़ पालकों की नींद खुली तो देखा कि भेड़ें गायब थी। इसके बाद उनकी गिनती लगाई तो उसमें 70 भेड़ें कम पाई गई। घटना के बाद भेड़ मालिक पुलिस के पास पहुंचे। सुबह शिकायत के बाद दोपहर में पुलिस अमला जांच के लिए पहुंचा। थाना प्रभारी जगदीश गोयल के साथ 8 पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि पुलिस को आशंका है जो चोरी गई भेड़ों की संख्या जो फरियादी द्वारा बताई जा रही है उससे कहीं कम हो सकती है। राजस्थान में जालौर जिले के ग्राम शंकरवाली में रहने वाले हीराराम पिता मादाराम रेबारी ने बताया कि वे सोमवार को ही सनावत से ग्राम बागफल में अपनी 350 भेड़ों के साथ वे आए थे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। कल ही आए थे अपने सनावत से, तो रात को 3 बजे लगभग हमारी जो भेड़ चोरी हुई तो हमने वहाँ पर एफआईआर लेने के लिए थाने में गई थी। सुबह के लगभग 11 बजे उसी भी हमने अपने एड्रेस को फ़ोन किया, तब वो भी आए और हमने पूरा जांच बता दी। जो गेहूँ से भेड़े खेत गेहूँ का जो खेत है वहाँ से जो भेड़ निकली हुई है वो भी रास्ता भी बता लिया और कपास के अंदर से निकली वो भी रास्ता बता दिया। और हमारा 350 भेड़ थे और सुबह उठ के हमने गिनी तो कम से कम 70 भेड़ कम हुई और छोटे छोटे 10-15 बच्चे वो भी सिला रहे। इस कारण से हमारे एक अनुरोध है साहब, कहीं भी जांच करके भेड़ हुआ। कितने रुपये की लागत के थे सर? वो भी 6 लाख के लगभग सर। 6 लाख रुपये के लगभग के थे। 6 लाख। मेरा नाम हीराराम सर, गांव शंकरवाली, तहसील और जिला जालौर से। ये भेड़ चराने वाले हीराराम ने बताया था कि ये रात में ये यहाँ बागफल में रुके हैं, तो इनकी रात में कुछ भेड़ें गायब हो गई हैं, तो इसकी छानबीन करने के लिए हम मौके पर आए हैं, छानबीन कर रहे हैं। कितनी भेड़ें बताइए सर इन्होंने चोरी? संख्या बता रहे हैं करीब 70 के करीब, अभी देख रहे हैं हम लोग छानबीन कर रहे हैं उसकी। कौन से गाँव से चोरी हुई सर? बागफल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।